दोस्तों, क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी प्रेग्नेंट महिला को सांप ने काटा हो? दोस्तों, हमारे समाज में ये मान्यता है सांप एक गर्भवती स्त्री को नहीं काटता है। माना जाता है एक गर्भवती महिला को देखकर सांप अंधा हो जाता है, शायद इसलिए 5 महीने के बाद से ही गर्भवती को शिवलिंग को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। माना गया है शिव जी अपने गले में सर्प धारण किए हुए हैं और ये मान्यता है कि अगर गर्भवती महिला उसे स्पर्श करती है शिवलिंग को, तो उनके जो गले में सर्प है उसे श्राप है कि वो अंधा हो जाता है। इसी कारण से गर्भवती महिलाओं को शिवलिंग की जो है पूजा करना, शिवलिंग को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। ये धारणा हमारे समाज में है। आज तक हमें कभी भी अपने समाज में हमने ये नहीं सुना है कि किसी गर्भवती महिला की मौत सर्प काटने से हुई हो। आइए जानते हैं इसके पीछे के क्या कारण है। तो माना जाता है सांप को प्रकृति ने कुछ विशेष इंद्रियां दी हैं जिससे सर्प आसानी से पता लगा लेता है कि कोई महिला गर्भवती है या नहीं, क्योंकि गर्भधारण के बाद स्त्री की बॉडी में कुछ ऐसे तत्वों का निर्माण होता है जो अपने अराउंडेड एक ओरा पैदा करती है जो सांप के द्वारा पहचाना जाता है। लेकिन फिर भी दिमाग में ये आता है अगर सांप गर्भवती को पहचान लेता है तो फिर भी सांप उसे काटता क्यों नहीं है। लेकिन इसका उत्तर जो है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक ऐसी कथा है, उसका वर्णन वहाँ पर दिया है, जिसमें बताया गया है कि एक महिला शिव भक्ति में, मंत्र जाप में, तपस्या में लीन थी। तब उसे 2 नागों ने जो है परेशान किया और वो महिला गर्भवती थी, तो गर्भ में शिशु ने पूरे नाग वंश को श्राप दिया कि कोई भी नाग और नागिन जो है किसी भी गर्भवती महिला को अगर वह देखेंगे तो वो अंधे हो जाएंगे। बस तभी से मान्यता है कि गर्भवती महिला को सर्प देखते ही सांप जो है अंधा हो जाता है। बस यही मान्यता हमारे समाज में चल रही है। आपका इसके प्रति क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू गाइज़।